subscribe and turn your notifications on for all the videos. Thank you. Assalamualaikum. आज बना रही हूँ गजरेला. एक बहुत ही यम्मी रेसिपी है. सबसे पहले एक पतीली में 1.5 लीटर दूध लेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे. अब एक जूसर ब्लेंडर या चॉपर में चावल लेंगे आधा कप. इसे मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए. इसे ब्लेंड कर लेंगे. दूध बॉयल हो चुका है. अब इसमें शामिल करेंगे चावल जो हमने ब्लेंड किए थे. इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे. चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं. अब इसमें शामिल करेंगे गाजर कद्दूकस किए हुए 2 कप. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाएंगे. चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे. आधे घंटे बाद गाजर अच्छे से पक चुके हैं. अब इसमें शामिल करेंगे 10 खाने के चम्मच चीनी. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप मिल्क. आपको जिस किस्म की कंसिस्टेंसी पसंद है आप उसके हिसाब से दूध रख सकते हैं. अब इसमें शामिल करेंगे केवरा एसेंस 1/2 चाय का चम्मच. अगर आपके पास केवरा एसेंस नहीं है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं इलायची पाउडर. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. अब इसे ढक देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि तमाम फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं. अब इसे सर्व करेंगे. आप कोई भी सर्विंग बोल ले लें, उसमें अपना गजरेला निकालें. इसे पिस्ता से डेकोरेट करेंगे. मैं इस तरीके से बीच में पिस्ता डालूंगी और साइड पे इस तरीके से बादाम. आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं. आप इसे फ्रिज में रखें तकरीबन 2 घंटे के लिए और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे सर्व करें. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.